मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज बसंत पंचमी है। बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। बसंत ऋतु आने पर गर्मी तो बढ़ती चली जाती है। देखें, आज से 10 दिन पहले वातावरण कैसा था और आज कैसा है। अब दोपहर में पसीना आने लगा है, गर्मी बढ़ने लगी है। लेकिन बसंत ऋतु में गर्मी जब बढ़ती है और वृक्ष वनस्पति पूरा वनस्पति जगत हरा भरा होता चला जाता है, साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें से बसंत ऋतु का 2 महीना होता है। सदगुरु कबीर ने बीजक के बसंत प्रकरण में 12 बसंत कहे हैं। पहले बसंत में भी कहते हैं, जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। बरसे अगिन अखंड धार, हरियर भवन 18 भार। पनिया आदर धरिन लोय, पौन गए कसमलिन धोय। जो तो ही सतगुरु सत्य लखाओ, तातिन छूटे चरण भाव। अमर लोक फल लावे चाओ, कहें कबीर बूझे सो पाव। बीच में 2 पंक्ति और है, मैंने जानबूझकर छोड़ दी है, क्योंकि उन पंक्तियों की यहां आवश्यकता नहीं कहने की। जाके 12 मास बसंत होए, प्रकृति जगत में 12 महीने बसंत नहीं हो सकते, केवल 2 महीने बसंत का होता है। बसंत ऋतु काम का सहचर माना जाता है। पुराणों में आपने पढ़ा होगा कि अमुक ऋषि, अमुक तपस्वी, अमुक राजा तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए, उसकी तपस्या को देखकर देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया कि कहीं इसकी तपस्या पूरी हो जाए और भगवान खुश हो जाए, से वर मांगने को कहे तो कहीं मेरा इंद्र पद ना मांग ले। पुराणों में हम पढ़ते हैं, कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र को भय होता है तुरंत। और ऋषियों मुनियों के तपस्या को भंग करने के लिए वो कितना कितना उपाय करते हैं। कहानी तो यह भी कहती है कि राक्षस, दैत्य, देव, दैत्य, दानव, ये लोग ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे, उसको भंग कर देते थे। लेकिन पुराणों को पढ़ो तो जितने लोगों की तपस्या को इंद्र ने भंग करवाया है, इंद्र ने बाधा डाली, उतना राक्षसों ने नहीं किया है। महाईर्ष्यालु इंद्र, महादेशी, महाभयभीत, जो भी आदमी भोगी होगा वो ईर्ष्यालु होगा, भयभीत होगा, देशी होगा। मैं तो ये कह रहा था कि किसी की तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हो जाते थे और अप्सराओं को भेजते थे, कामदेव को भेजते थे कि जाओ तपस्या को भंग करो। अगर वो जाते थे तब तुरंत
चारों ओर बसंत ऋतु का वातावरण हो जाता था, पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते थे, सुगंधित हवा चलने लगती थी और सब। तो बसंत ऋतु को काम का सहचर माना गया है। चीज तो वही होती है, हम उपयोग अच्छा उपयोग करते हैं तो वही चीज कल्याणकारी हो जाती है, दुरुपयोग करते हैं तो वही हानिकारी दुखदायी बंधनदायी हो जाती है। ज्ञान घटावे मान मद, ज्ञान ये देत बढ़ाए, रहस्य मुक्ति पावे यति कामी रति पलटाए, कामी रति लपटाए। ज्ञान मद और मान को घटाता है, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, तथ्य का बोध होता जाएगा, उतना उतना अहंकार घटता चला जाता है, विनम्रता बढ़ती चली जाती है। लेकिन अपात्र व्यक्ति ने ज्ञान ही देत बढ़ाए, अपात्र व्यक्ति ने ज्ञान मद मान अहंकार का कारण बढ़ जाता बन जाता, उसको और बढ़ा देता है। कितने लोग हैं बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े गुणी, लेकिन बड़े विनम्र, सहज उनके बातचीत से पता भी नहीं चलता है कितने ज्ञानी और विद्वान होंगे, अत्यंत विनम्र। जीवन में उनके कहीं कोई प्रदर्शन नाम की चीज ही नहीं, बिल्कुल सादा सरल स्वाभाविक। और कितने लोग ऐसे होते हैं, जानते तो बहुत थोड़ा है लेकिन जीवन प्रदर्शन ऐसा बड़ा लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, अपने दिखावा कर देते हैं। तो ज्ञान मान मद अहंकार का नाशक, लेकिन अपात्र में मान मद अहंकार को बढ़ाने वाला। रहस्य मुक्ति पावे यति, एकांत में जाकर के यति त्यागी तपस्वी मूर्छ साधक ध्यान साधना करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकांत साधक के लिए मुक्ति का साधन बनता है, लेकिन कामी के लिए काम वासना का उद्दीपन बन जाता है। एकांत में ज्ञानी गया ध्यान में लीन हो गया, साधक गया ध्यान में लीन हो गया, एकांत में कामी व्यक्ति गया काम वासना में डूब गया। तो एक के लिए एकांत मुक्ति का साधन बना, एक के लिए काम वासना बंधन का साधन बना। चीज वही है, हमारी मानसिकता कैसी, हम उपयोग कैसा करते हैं, इस पर हमें अच्छा बुरा फल मिलता है। बाहर प्रकृति में एक महीने बसंत होता है, बसंत ऋतु दो महीने की होती है और दुनियादारी लोग उसे मनोरंजन साधन मानते हैं, काम को दीपक मानते हैं, लेकिन साधक साधना में सहायक मानते हैं। साहब कहते हैं जाके 12 माह बसंत होए, जिसके जीवन में 12 महीने बसंत, ये कौन सा बसंत? आत्मज्ञान, वासना त्याग और मन की निर्मलता, जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, वासनाओं का त्याग है, मन की निर्मलता है, उसके लिए 12 महीने बसंत, हर समय आनंद उल्लास, एक क्षण कहां है? ज्ञानी के जीवन से, वासना त्यागी के जीवन से दुख समाप्त हो जाता है, क्लेश समाप्त हो जाता है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, तो हर समय बसंत है, हर समय आनंद उल्लास है। और यह आनंद उल्लास ऐसा है कभी घटने वाला नहीं है, दुनिया की चीजों के संबंध से मिलने वाला आनंद उल्लास प्रसन्नता क्षणिक, लेकिन आत्मज्ञान से होने वाला आनंद, वासना के त्याग से मिलने वाला आनंद, मन की निर्मलता से मिलने वाला आनंद उल्लास, इसमें विकार की कोई संभावना ही नहीं है, दुख क्लेश के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है,
हर समय आनंद, हर समय आनंद। सारी चिंता उसके जीवन से समाप्त, हर्ष और शोक से ऊपर सभी में समता। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक हम भटकते हैं, दुखी होते हैं। और वासना का त्याग हो गया, मन निर्मल हो गया, अंतर्मुख हो गया, आत्मस्थिति हो गई, तब हर्ष और शोक, हानि और लाभ के लिए गुंजाइश कहां रह गया। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम हो रहे तजकर वाद विवाद। इस गुरु कबीर की साखी है। जब आत्म अनुभव हो गया, मन बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुख हो गया, देह भाव मिट करके आत्मभाव जागृत हो गया, मन आत्मभाव में रम गया, पूरी तरह से निर्मल, तब आत्मस्थिति हुई और फिर हर्ष विषाद समाप्त। ज्ञानी पुरुष विवाद में नहीं पड़ता। उनके मन मन की दशा कैसे होती है? चित्र दीप, दीपक में चित्र बना है। कितनी भी आंधी आए, कैसी भी तेज हवा चले, दीपक का चित्र अखंड जलता रहता है। दीपक चित्र के दीपक की ज्योति हिलती नहीं, बुझती नहीं है, एक रस। ऐसे ही आत्मानुभवी जो ज्ञानी हैं, संत हैं, उनके मन दशा अविचल होती है। और उनके लिए 12 महीने बसंत है, तो जाके 12 मास बसंत होए, आत्मज्ञान, वासना का त्याग, मन की निर्मलता के कारण जिसके जीवन में हर समय बसंत, हर समय आनंद उल्लास, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। उसके परमार्थ को, मन की दशा को, उसके जीवन की दिव्यता को, उच्चता को कोई बिरला बुझ सकता है। और बिरला कौन होगा? जो स्वयं उस दशा में रह रहा हो या उस दशा में रहने के लिए साधना कर रहा हो। ज्ञानी को ज्ञानी ही समझ सकता है, ज्ञानी को अज्ञानी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान क्या वो जानता ही नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं, आत्मा साक्षात, जिन्होंने आत्मा साक्षात कर लिया है, तो ऐसे जो आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति की पहचान क्या है? हम बाहरी कुछ अर्थों में पहचान सकते हैं, सभी स्थितियों में जो सम रहता हो, शांत रहता हो, निर्द्वंद रहता हो, निश्चिंत रहता हो, ये बाहरी पहचान। लेकिन आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को स्वयं आत्म साक्षात्कारी बनकर ही पहचाना जा सकता है, बाहर नहीं पहचान सकता। किसको पहचाना है? बड़े बड़े ज्ञानियों को कौन पहचान पाए? बुद्ध को लोग पहचान पाए, महावीर को पहचान पाए, कबीर को पहचान पाए, या ऐसे अन्य और कहां पहचान पाए दुनिया के लोग? पहचान पाते तो निंदा क्यों करते, विरोध क्यों करते, बुराई क्यों करते? हम अपनी छटंकी से ज्ञानियों को तोलना चाहते हैं। पहले अपनी छटंकी, अपने माप तोल को बड़ा तो बनाए, उस स्थिति में रह कर, वैसे साधना रह कर तो देखें। और जो सच्चा साधक होगा, वह साधक किसी भी मत पंथ का हो, साधक तो साधक किसी मत पंथ में दीक्षित हो सकता है, किसी प्रकार का उसका वेशभूषा हो सकता है, जिस मत पंथ में दीक्षित है उसके पर जो परंपरा है, उसके जो कर्मकांड है, रीति रिवाज है, उसका वो पालन कर सकता है। लेकिन ये सब करते हुए भी उसके मन में सांप्रदायिक भावना नहीं होती, कोई पक्षपात नहीं होता, और सारी सांप्रदायिक भावना से, संकुचितता से, पक्षपात से ऊपर उठा होता है। तो ऐसे साधकों को हम वैसे बनकर ही पहचान सकते हैं सही ढंग से। उसके जीवन में विवाद नहीं होता, वो तो शांत रहता है, विवादी से भी वो बोलता नहीं है। पलटू हमसे लड़न को,
आवे सब संसार, वे बोले हम चुप रहे सहजे जावे हार। ये पलटू साहब कहते हैं, दुनिया के लोग हमसे लड़ने के लिए आते हैं, फिर बोलते हैं बकबक करते रहते हैं, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं वो वैसे हैं, फिर बोलते हैं हम चुप रहते हैं, अंत में वो हार करके चले जाते हैं। तो ज्ञान का अर्थ ही है विवाद का मिट जाना। विवाद कब होता है? जब कोई भी विवाद पहले हमारे मन में होता है। जिसका मन विवादी नहीं होगा वो बाहर विवाद क्यों करेगा? और विवाद का अर्थ विवाद भी क्यों बनता है? मन अधूरे ज्ञान जब हमारा होता है तब अधजल गगरी छलकत जाए, आधा घड़ा पानी छलकता है। ऐसे जितना हम बीच की स्थिति में होते हैं, आधी स्थिति में थोड़ा सा पढ़ लिए पुस्तकों को, सुन लिए संतों के प्रवचन, कुछ याद कर लिए, भजन गाने के कला आ गई, प्रदर्शन करने की कला आ गई, हमने अपने को मान लिया बड़ा, फिर उलझते रहते हैं। अब पूरा का पूरा हमने अपने को साध लिया, दुनिया की वास्तविकता को पहचान लिया, भोगों की नश्वरता को, दुखता को, विनश्वरता को पहचान लिया, मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो गया, आत्मस्थित हो गया, विवाद समाप्त। समझे की गति एक है, जिन समझे सब ठोर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। सदगुरु कहते हैं जितने समझदार हैं उन सब की दशा एक समान होती है, निर्विवाद स्थिति, मौन शांत असंग। ये बीच के लोग जो हैं वो लोग बलगते रहते हैं, कुछ का और कहते रहते हैं, हमारा मत बड़ा, हमारा मत बड़ा, हमारे गुरु बड़े, हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारी पुस्तक बड़ी, अन्य लोग बंधन में पड़ेंगे, हमारे वाले मत वाले लोग मुक्ति पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अरे मुक्ति और स्वर्ग किसी मत पंथ की ठेकेदारी में है? ये किसी मत पंथ की ठेकेदारी की चीज नहीं है, ये तो जीवन की चीज है। जिसका मन जितना कोमल है, प्रेम से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है, उसके लिए हर समय स्वर्ग है। जिसके मन में जितनी निष्कामता है, अनासक्ति है, आत्मज्ञान है, वो हर समय मुक्त है। इसे प्रेम, करुणा, मीठी वाणी, निष्कामता, अनासक्ति, निर्मोहता, ये किस मत पंथ की चीज है? ये तो जीवन की चीज है। हम मत पंथों में उलझ जाते हैं और उलझ करके हकीकत को भूल जाते हैं और कुछ का कुछ बकते चले जाते हैं, उलझते रह जाते हैं, विवाद करते रह जाते हैं, और विवादी आदमी कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। शांति का अनुभव करना है, जीवन को सुख से जीना है, प्रसन्नता से जीना है, तो विवाद से बचना होगा। दूसरा कोई विवाद कर रहा है, करने दो, शांत रहो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बुझे बिरला कोए। वासना त्याग, मन की निर्मलता और आत्मज्ञान जिसके जीवन में है उसके लिए 12 महीने बसंत, हर समय आनंद उल्लास। उसके मन की जो दशा है, उसके मन की जो दिव्यता है, उसे कोई बुरला ही समझ सकता है। और समझेगा कौन? जो सच्चा, जो सत्संगी होगा, विनम्रता पूर्वक सत्य के रास्ते में चलता होगा और साधना कर रहा होगा। यही एक रास्ता है शांति का, सच्ची प्रसन्नता और आनंद का, आत्मानुभूति का, और कोई रास्ता नहीं है। बरसे अगिंड अखंड धार, हरिहर भवन 18 भार। वैसे गर्मी में, बैसाख जेठ में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन शुरुआत पहले से हो जाती है। साहब कहते हैं बसंत ऋतु के अंतिम अंतिम में गर्मी खूब तेज हो जाती है, अखंड रूप से आकाश से गर्मी बरसने लगती है, लेकिन वनस्पति जगत हरा भरा हो जाता है। 18 भार वनस्पतियां मानी गई है,
अब कुल 18 अरब, फिर अरब का अर्थ होता है एक अरब, कितने हजार प्रकार की वनस्पतियां, उतनी है या नहीं है इसमें हमें नहीं पढ़ना है। अर्थ है पूरा वनस्पति जगत। गर्मी बढ़ने से तो वनस्पति जगत को सूख जाना चाहिए था, लेकिन बसंत में जिधर देखो हर पेड़ पौधे में नई नई पत्तियां आ जाती, नए नए कोमल आते, पतझर होता है और फिर उसके पश्चात नई नई पत्तियां, किसी पेड़ को देखो बसंत ऋतु में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। ये तो उदाहरण है। इसी प्रकार जिसके जीवन में ज्ञान की गर्मी हो जाती है, जिसका जीवन ज्ञान से ओतप्रोत हो गया, उसका जीवन हरा भरा हो गया। जितना ज्ञान की कमी होती है उतना जीवन मुरझाया होता है। क्यों दुखी हैं हम? ज्ञान के अभाव में, तथ्य बोध के अभाव में। क्यों हम भटकते हैं? तथ्य बोध के अभाव में। जानते हैं कि ये चीज गलत है, फिर भी क्यों को क्यों क्यों बार बार इस चीज को खाते रहते, वही काम करते रहते हैं? अज्ञान के कारण, आदत के कारण। जड़ और चेतन दोनों की सम्यक समझ हो जाए, जड़ और चेतन ये दो मूल तत्व है दुनिया में, कहीं भी जाएं आप तो लक्षण दो के ही मिलेंगे, जड़ के और चेतन के। किसी भी वस्तु की परख करें, या तो उसमें जड़ के गुणधर्म होंगे या सजीव है तो चेतन के गुणधर्म होंगे। तो जड़ और चेतन इन दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा तत्व नहीं है। तीसरा तत्व है तो उसके पहचानने लक्षण क्या है कि कहते हैं मुझे पहचाने, लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। जड़ और चेतन को छोड़ करके कोई तीसरा तत्व है तो उसकी पहचान क्या है, उसके गुण धर्म क्या है? जो भी पहचान बताएंगे, जो भी गुण धर्म बताएंगे, वो गुण धर्म या तो जड़ के होंगे या फिर चेतन के होंगे। और जिसे जड़ और चेतन की सम्यक समझ हो गई, सच्चा बोध हो गया, सारी भ्रांतियां कट गई, विषय का आकर्षण समाप्त तो हो गया, भोगों संभव गुरुता समझ में आ गई, मन निरस, जितना मन निरस होता जाएगा उतना जीवन में आनंद बढ़ता चला जाएगा। आगे आगे दौ जरे पाशे हरियर होए, बलिहारीता वृक्ष की जड़ काटे फल होए, प्रकाशी सदगुरु कबीर की। आगे आगे दवाग्नि जलती जा रही है, भयंकर आग लगी हुई आगे आगे, और पीछे पीछे वनस्पति हरी भरी होती चली जा रही है। कहीं ऐसा आपने देखा है? कहीं आग लगा दो जल्दी जाएगी आग, पीछे पीछे सब बियाबा खंडहर उजाड़ उजाड़ लगेगा। लेकिन साहब कहते हैं आगे आगे दौ जरे, आगे आगे दाग भी लगी हुई है और पीछे हरियर हो, पीछे हरा भरा होता जा रहा है। अर्थ है जिसके जीवन में आगे आगे ज्ञान की दवाग्नि लगी हुई है, सारा विकार जलता चला गया ज्ञान की दवाग्नि में, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जितने भी विकार जलते चले गए, सारे दोष दुर्गुण दुर्व्यसन जलते चले गए, जीवन हरा भरा होता चला गया, हल्का आनंदित प्रसन्न खिला हुआ होता चला गया। जितना ज्ञान बढ़ेगा, मन जितना निरप होगा, उतना ही जीवन में आनंद की धारा बहने लगेगी। बलिहारीता वृक्ष की जर काटे फल हो, सदगुरु कहते हैं उस वृक्ष की प्रसन्नता है जिसकी जड़ को काट देने पर उसमें सुंदर मीठे फल आते हैं। किसी वृक्ष की जड़ को काट करके देखो फल क्या आएगा, वो तो पेड़ ही सूख जाएगा। लेकिन यहां ऐसा है, ये संसार वृक्ष ऐसा है, इस संसार वृक्ष की जड़ ऐसा वासना को काट दो तो मुक्ति का फल मिलेगा। और जब तक इस वासना की जड़, ये संसार वृक्ष की वासना जड़ को, ये आवागमन रूपी जो वृक्ष की वासना को जड़ को नहीं काटोगे, तब तक मुक्ति का फल मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कभी उलटवासी में ही इतनी
दो पंक्ति में इतनी बड़ी बात करते हैं, पूरा अध्यात्म उसमें आ जाता है। तो जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं, दोनों की पूरी परख हो गई, ये समझ में आ गया कि मैं जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण शुद्ध बुद्ध निर्मल अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूं। और ऐसे समझ आने के पश्चात जहां तक अपने से भिन्न जगत है सबकी वासना का त्याग हो गया, तब जीवन कृतार्थ हो गया, जीवन सफल हो गया। तो ज्ञान का की पहचान ही यही है, सारी सुस्तता सारा दुख सारी पीड़ा समाप्त। जैसे बसंत ऋतु में खूब तेज गर्मी पड़ने पर भी वृक्ष वनस्पति हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे जीवन की दशा है, ज्ञान बढ़ता गया और जीवन हरा भरा होता गया, चमक जीवन में चमक बढ़ती चली गई। पनिया आदर धरिन लोए पौन गहे कस मलिन धोए, ठंडी ऋतु में पानी छूने का भी मन होता, बड़ी हिम्मत बहुत हिम्मत करना पड़ता है कुल्ला करने के लिए नहाने के लिए, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, अभी एक महीना पहले नहाने के लिए गर्म पानी में नहाने के लिए हिम्मत करनी पड़ती थी, और 15 दिन बाद क्या होगा, नहाते रहो ऐसा मन लगेगा। तो पनिया आदर धरिन लोए, गर्मी बढ़ती गई तो लोग आदर पूर्वक पानी का प्रयोग करने लग गए। ऐसे ही जिसके जीवन में ज्ञान बढ़ता जाता है, समझ बढ़ती जाती है, वह निर्णय वाणी को उतना आदर देता चला जाता है। समान लोग परंपरा में जकड़े हुए लोग निर्णय वाणी को आदर नहीं देते, क्यों, निर्णय के लिए घबराते हैं, निर्णय करेंगे तो हमारा बहुत कुछ माना हुआ वह अंधकार अविश्वास सब कट जाएगा। इधर उधर निर्णय मत करो, गुरु की बात पर तर्क मत करो, शास्त्र की बात पर तर्क मत करो, परंपरा की बात पर तर्क मत करो, वहां तो आंख मूंद करके मान लो, गुरु की बात पर धर्म की बात पर बेशास्त्र की बात पर तर्क करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नरक में चले जाओगे, ये भय दिया जाता है लोगों को। और ऐसा भय वही लोग देते हैं जिनके अंदर जितना अधिक अधिक कमजोरी होती है। गुरु आदरणीय, शास्त्र आदरणीय, परंपरा आदरणीय, सब आदरणीय, लेकिन इन सबसे ज्यादा आदरणीय निर्णय तर्क विवेक सत्य। तो जब ज्ञान बढ़ता जाता है वो निर्णय को उतना महत्व देता है, जो परंपरा में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो निर्णय से घबराता है। और इसीलिए निर्णय न करने के कारण धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के चमत्कार, अंधविश्वास, भूल भुलैया, पाखंड का बोलबाला सब तरफ दिखाई पड़ रहा है। अंधविश्वासी ना बने, चमत्कार के दीवाने ना बने, जितने चमत्कार है सब बेईमानी और बदमाशी है, केवल धूर्तता। चमत्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, प्रकृति में पूरे सब जगह कारण कार्य की व्यवस्था है, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं, जो गुण कारण में होगा वही कार्य में आएगा, बिना कारण के कोई कार्य होगा नहीं। और चमत्कार का अर्थ क्या है, बिना कारण के कार्य का हो जाना, और कभी संभव ही नहीं है। कोई कितना बाबा बड़ा बाबा हो वो कहता हमने ऐसा चमत्कार किया, हमने ऐसा चमत्कार किया, समझ ले महा झूठा है वो, चमत्कार नाम की चीज ही नहीं है। और इस बाबाओं का चमत्कार केवल भोले भाले भक्तों को भटकाने के लिए है। ये चमत्कारी बाबा देश दुनिया का एक भी कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हैं,
केवल भक्तों को भटका करके मठ बढ़ा रहे हैं, चेला बढ़ा रहे हैं। अब चमत्कारी हैं, किसके लिए चमत्कारी हैं? आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, कितने सिद्धि प्राप्त कर ली है? जनता को कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि जनता को केवल मरने के लिए आपकी सिद्धि है? गरीबी है, कई लोग भूखे मर रहे हैं। सारे चमत्कारी बाबा, हजारों चमत्कारी बाबा इस कुंभ मेले में बैठे हैं, स्टेशन में बहुत लोग मर गए, ये भी चमत्कार बाबा का चमत्कार काम नहीं आया? किस मर्ज की दवा है ये बाबा लोग? अरे कुछ ना करते, वो तो चमत्कारी है ना, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। यही बैठे बैठे जो लोग गिर रहे थे रेल की सीढ़ी, तो वहीं रोक देते रहते, न गिरते न कुचलते, मरते क्यों? लेकिन डिंग हांकने के लिए सब हांक रहे हैं, हमारे पास ऐसे चमत्कार, हमारे पास ऐसे चमत्कार, हमारे पास ऐसे चमत्कार, और काम कुछ नहीं। ये सब बदमाश लोग हैं। इनने कभी चमत्कार के दीवाने न बने, निर्भय बने, और आपके भाग्य को कोई बाबा बदल नहीं सकता है। हम बदल, आपका भाग्य बदलेगा कब? जो संत महात्मा गुरुजन ज्ञान वैराग भक्ति सदाचार संयम साधना का रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलें। पुराना जो रास्ता है, लड़ने का रास्ता, झगड़ने का रास्ता, काम क्रोध लोभों का रास्ता, राग द्वेष का रास्ता, विषय विकार का रास्ता, यह रास्ता बदल दे। अब संयम साधना भक्ति सेवा ज्ञान परोपकार दया क्षमा करुणा इस रास्ते पर चलें तो भाग्य बदल जाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। गुरु केवल प्रेरणा बताएंगे, संत केवल प्रेरणा बताएंगे, लेकिन वो आपने कुछ नहीं कर सकते हैं। हुआ तो यह है कि गुरु शक्ति पार कर देते हैं, गुरु कृपा कर दे तो बेड़ा पार, तमाम गुरु कहते हैं तुम्हें हम तो दीक्षा ले लो, फिर तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जब तक तुम मंत्र तक नहीं पहुंचोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये ऐसे कहने वाले गुरु भी नंबर एक के बेईमान है। अरे क्या कर पाओगे? सत्यपाद नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अरे सत्यपाद नाम चीज होती है तो सब पर सत्यपाद करते जाओ, सब मुक्त होते चले जाएंगे, क्या बिगड़ेगा आपको? गुरु तो कृपालु होते हैं, संत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों के दुख दूर करने वाले होते हैं। उसी लिए आप कहते हमने अवतार लिया है, तो कितने आपका ये आपका सत्यपात काम आएगा? तो अभी से सत्यपात कर दो ना, सब मुक्त होते चले जाएंगे। कोई गुरु सत्यपात नहीं करता है। असक्तिपात क्या है? गुरु द्वारा रास्ता बताना और स्वयं उस साधना में चल करके बताना। तो पनिया आदर धरिन लोय, सदगुरु कहते हैं जिसके ज्ञान में, जिसके जीवन में जितना ही ज्ञान बढ़ता जाता है वह निर्णयवाणी को उतना ही आदर देता चला जाता है, आंख मूंद कर किसी की बात को नहीं मानता, और स्वयं चमत्कारी बात नहीं कहता, अंधविश्वासपूर्ण बात नहीं कहता, पाखंडपूर्ण बात नहीं कहता, वह स्वयं निर्णय वचन वाली बात कहता है। पवन गहे कतमल इंद होए, और पसीना, गर्मी पसीना आता है मैल जमता शरीर में, उसको धोने के लिए, मेरे लिए उसको दूर करने के लिए विचार पवन, हर जगह विचार करता रहता है। जो तो सदगुरु सत्य लखाओ तादन सूटे चरण भाव, यदि तुम्हें तुम्हारी सदगुरु ने सत्य का बोध दे दिया है, जड़ चेतन की परख करवा दिए, सत्य स्वरूप जो आत्मा है उसके बारे में बता दिए, सारी भ्रांति कट गई, सत्य रास्ता मिल गया, तो अब करना क्या है? तातन छूटे चरण भाव। अब गुरु के चरणों से तुम्हारा प्रेम घटना नहीं चाहिए, श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए। संतों के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम घट गया, श्रद्धा घट गई, भक्ति घट गई, तो बचने की जगह और कहां पर है? जिस गुरु ने, जिस महात्मा ने या जिस किसी ने सत्य का बोध दिया है, हम गलत रास्ते में जा रहे थे, भटकते हुए ठोकर खा रहे थे, किसी ने हमें सच्चा बोध दे दिया, सच्चा रास्ता बता रहे, तुम कहां जा रहे हो, यहां तो खाई खंदक है,
इस रास्ते से जाओ, और हम उस रास्ते पर चले, हमारा भटकना समाप्त, हम मंदिर तक पहुंच गए, कितना बड़ा उपकार। तो क्या उसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, भक्ति भाव नहीं रखना चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए? उपकारी के प्रति यदि हमारे मन से उपकार की भावना घट गई, उपकारी के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हो पाते, आभारी नहीं हो पाते, तो हम कृतज्ञ हैं, शांति नहीं मिल सकती है। स्वयं हमने किसी पर कोई उपकार किया है, हमने स्वयं किसी की सहायता की है, किसी की विपत्ति में, किसी संकट के समय, किसी समस्या में हमने किसी की कोई सहायता की, किसी का की सेवा की, उसको जितना जल्दी हो सके भूल जाओ, किसी चर्चा मत करो। लेकिन किसी ने हमारी सहायता की है, हम पर उपकार किया, हमारी सेवा की है, उसके ऊपर का उसकी जो सेवा है, उसका जो उपकार है, बारंबार याद करते रहें, तो उसके प्रति मन श्रद्धा से प्रेम से भरा रहेगा। और जिसका मन श्रद्धा प्रेम से भरा रहेगा, वो मन कोमल रहेगा, उसी श्रद्धा और प्रेम और से भरे कोमल मन में ही सत्य का ज्ञान टिकेगा। साधना का पौधा वही लहलहाएगा। और ये याद करते रहें, अमुक का मैंने ये काम बनाया, अमुक का मैंने ये काम बनाया, अमुक मैंने ये सहायता की, तो मन में अहंकार आता चला जाएगा, और फिर हम मानेंगे हम बड़े और ये लोग छोटे, ये लोग दुर्भाग्यशाली, हम बड़े सौभाग्यशाली, बस जीवन कठोरता से कठोरता भरता चला जाएगा। तो स्वयं यदि किसी का उपकार किया गया है, स्वयं द्वारा किसी की सहायता की गई, सेवा की गई, उसको भूल जाएं, निष्काम सेवा कर दें। इसीलिए कहा गया है हमारी भारतीय परंपरा में, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी तो करो लेकिन दरिया में डाल दो साथ भूल जाओ, परोपकार करो और भूल जाओ, याद मत करो उसको, जितना बन सके परोपकार करें, सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, लेकिन भूल जाए। नीति में हमारे महापुरुषों ने यहां तक कहा है, दान करो जरूर, लेकिन दिखावा करके नहीं, निष्काम दान, गुप्त रूप से दान करो। देखिए ये कहा गया है, दान इस प्रकार से करो कि दाएं हाथ से दान करो तो बायां हाथ जान न पाए। अरे हाथ तो हमारे दोनों हैं, दाएं से दान करो, बायां जाने का कैसा नहीं अर्थ है। किसी चर्चा किसी से मत करो, प्रसन्नता पाने के लिए दान मत करो, कर्तव्य समझ करके दान करें, अंतकरण शुद्धि के लिए दान करें, चित्त की निर्मलता के लिए दान करें। भाई कर्तव्य है हमारा, हमारे पास है, आवश्यकता से ज्यादा है तो कहीं दान कर दें, ताकि वह जिन्हें आवश्यक है उन लोग सेवा में लगे, ये समझ करके दान करें। प्रसन्नता पाने के दान करेंगे तो उससे कोई बड़ा फल नहीं मिलेगा, थोड़ा नाम हो जाएगा, जय बुला दिया जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा, वाहवाही हो जाएगी, क्लेश नहीं मिटेगा, मन का अहंकार बढ़ जाएगा। मैं तो कह रहा था, जो तो इस सदगुरु सत्य लखाओ ताते ने छूटे चरण भाव, सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हें सत्य का बोध दे दिया है, और गुरु द्वारा सत्य का बोध पाकर तुम्हारे मन की भ्रांति मिट गई, सत्य रास्ता मिल गया, सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य की स्थिति हो गई, तो ध्यान रखना गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति छूटने ना पाए, किंतु उत्तरोत्तर बढ़ते चला, जीवन भर गुरु के उपकार को याद करते रहो, और गुरु से जो ज्ञान मेरे सत्य मिला है उसको लोगों में निष्काम होकर के बांटते रहो। अमर लोक फल लावे शाओ, कहें कबीर बुझे सो पाओ। अमर लोक का जो फल है उसके लिए चाव लाओ, चाहना करो, अमर लोक का फल कर, कहां है अमर लोक? हम लोग मान लेते हैं आकाश में कोई लोक है, तमाम लोग की कल्पना करते हैं, अमर लोक ले चलो हो मोर सजना, कबीर का भजन भी है, कहां है वो अमर लोक? कहने में लगता है द्वैत जैसा, कहीं बाहर है, बाहर कहीं नहीं है, कोई आकाश पाताल में कोई लोक नहीं है, जहां आपको जाना है वहां जाकर मुक्त हो जाएंगे, सब दुख से छुटकारा हो जाएगा। ये सब कहने के तरीके हैं, कल्पना है। जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, भावुक लोग, उनको समझाने के लिए
ये सब कहा जाता है। कई लोगों को कुछ नहीं है जहां जाना होगा। अमर लोक आपका अपना आपा, आपका अपना स्वरूप, आपका अपना स्थित, वही अमर लोक है। अमर लोक फल, अमर लोक का फल क्या है? अमर लोक का फल आत्मशान, आत्मस्थिति। आत्मा अमर लोक है, उसका फल है, उसमें स्थित होने फल है पूरा मन का क्लेश रहित तो हो जाना, परम शांति का अनुभव होना। उसके लिए यदि चाह करो, उसके लिए चाहना करो। चाहना करना भी क्या है? बाहर की चाहना मिट गई, अंदर स्थिति हो गई, वो मिल गया। कहें कबीर बूझे सो साहब कहते हैं, जो उसको बूझेगा समझेगा, संतों शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर, सत्संग में जाकर के, सदग्रंथ पढ़ करके, अब जब समझ लेगा, उसके लिए साधना करेगा, वही पाएगा। पहले तो ये बोध होना भी बड़ा मुश्किल, क्यों? एक तो अनाधिकार से मन बहिर्मुख, दूसरा सच्चा बोध देने वाले गुरु मिलना भी कठिन। भ्रम भ्रांति कल्पना अंधविश्वास की बात बताने वाले गुरु ज्यादा, तो समझ में बात आए भी कैसे? ऐसा नहीं है कि जनता में सत्य की चाहना नहीं है, वहां कोई जिज्ञासु नहीं, साधक नहीं है, सुनने वाले भी हैं, खरा से खरा ज्ञान सुनने वाले लोग भी हैं, लेकिन सुनाने वालों की कमी है। निष्पक्ष होकर के सच्चे गुरु की खोज करनी होगी हमको, और उनके द्वारा बुझना पड़ेगा। अब जब बुझ लिए, समझ लिए, तो ये साधना में समर्पित हो गए, तो फिर वो अमर लोक का जो फल है आत्मशांत, कृतार्थता, जीवन की पूर्णता, वो मिल गया। उसी के साथ सदगुरु कबीर कहते हैं कि जाके बारह मास बसंत होए, आत्मशांति हो गई, कृतार्थता हो गई, मन निष्काम हो गया, बस पूरा का पूरा हर समय आनंद उल्लास, यही जीवन का अंतिम फल है। और यही आकर के मन का भटकना दूर होगा, मन की पीड़ा दूर होगी, आवागमन का चक्र समाप्त तो होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। संतों के शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर, विनम्रता पूर्वक इस तथ्य को समझें, और समझ करके अपने आप को दिशा में साधना में समर्पित कर दें, तो धीरे धीरे हम भी उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।